म्यूजियम है, तीसरी वीडियो है हमारी, ये म्यूजियम है। इनके इस्तेमाल की अशिया, घड़ियाँ, बहुत ही पुराने ज़माने का मामला है। ये चीफ, इनके पुराने प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे, तो उनकी दिखाई जा रही है। रखे हुए हाथी के दांत, तराशे भी रखे हुए। ये टूथ, एलिफेंट टूथ, ये हाथी का ऐसी है, ये हाथी के दांत हैं अंदर के, एलिफेंट टस्क, और ये लंबे वाले दांत हैं हाथी के, ये जबड़ा है, इधर जबड़ा है। काली लकड़ी का बना होता है, इससे बहुत महंगा होता है काली लकड़ी, ऑल्सो वेरी हैवी, इसका वजन नाकाबिले यकीन है, बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भारी लकड़ी का, जैसे लोहा होता है लोहे की तरह, ये सर रंग की खास लकड़ी है काली वाली, ये तकरीबन 100 साल पुराना है। ये भी हाथी के ये म्यांमार गवर्नमेंट ने गिफ्ट किया है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये गिफ्ट है वहाँ से आया हुआ। इंडियन की अब कॉपी देख रहे हैं यहाँ पर, जो बनाया हुआ है ऊपर वो इंडिया में तस्वीर जो है, इन्होंने पूरी कॉपी लगा दिया। स्टैचूज डेकोरेट बाय स्टोन्स इन श्रीलंका, स्टोन्स इन श्रीलंका, ब्यूटीफुल स्टैचूज हैं ये, श्रीलंका ने खुद जो बनाए हैं, अपने पत्थरों से बनाए। ये लोगों के जाती गिफ्ट क्या रखे हुए, लोगों ने लाके दिए इनको, कुछ ममालिक की भी गिफ्ट यहाँ पर है, देख रहे हैं म्यांमार, चाइना, कोरिया, सबसे आए हुए गिफ्ट हैं ये, और कुछ लोगों ने घर से लाके दिए हैं, मतलब जिनके पास अपने अजदाद से पड़े हुए थे ना, उन्होंने लाके इनको डोनेट किए, गिफ्ट किए। ये हाथी का असली पांव है जो यहाँ पर महफूज कर लिया गया है, ये हाथी का असली पांव है। ये जो इसका आप दांत देख रहे हैं, ये असली इसी इलाके का, इनका ही अपना था,
जो अब इंतकाल कर चुका है मगर इसका ये आप देख रहे हैं, दांत देख रहे हैं इसका, और उसका ये पाँव भी महफूज कर लिया गया है। ये आप असली क्रोकोडाइल देख रहे हैं, मगरमच्छ देख रहे हैं, ये असली है, इसको महफूज कर लिया गया है। याला में इससे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़े साइज का है। इट्स अ ह्यूज आल्सो, ये भी बहुत बड़ा है, ये इंसान को जो है निकल सकता है। ओके इससे डबल साइज के याला पार्क में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये भी इंसान को निकलने के लिए काफ़ी है। ये कुछ लोगों के गिफ्ट हैं, कुछ चाइनीज गिफ्ट है, कोरियन गिफ्ट है, नॉर्थ कोरिया गिफ्ट है, म्यांमार के गिफ्ट है, ममालिक के गिफ्ट है, नेपाल के गिफ्ट है, जमा किया जाए। ज्वेलरी स्टोन्स किंग पीरियड वन, ओके किंग पीरियड वन, ये तमाम पे तमाम ज़ेब्रा, ब्रिटिश किंग, ओके ओरिजिनल किंग, ये लोकल किंग के तरफ के ज्वेलरी है, लोकल किंग की ज्वेलरी है, ब्रिटिश एम्पायर की है। तकरीबन 4000 साल पहले, इधर आइएगा, 4000 साल पहले की लिफ्ट है ये। ये हाथ से चलती थी क्योंकि बिजली नहीं होती थी, बिजली नहीं थी ना, तो ये रस्सी आप रस्सा आप देख रहे हैं, 4000 साल पहले हाथ के जरिए बादशाहों को चढ़ाते थे। ये सब मैनुअल मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, टाइपराइटर है, जो कुछ भी, ये सब मैनुअल है, टाइपराइटर। 60-70 साल पहले, 80 साल पहले की सवारी। ये टेंपल की अपनी प्रॉपर्टी है, BMW खड़ी है ओरिजिनल। ये रोज़ प्रॉपर्टी है, बेंज मर्सिडीज, ये आप जानते हैं, तकरीबन 200 साल पुरानी गाड़ी है, तकरीबन 200 साल पुरानी है, कोई मलका के ज़माने की है। यहाँ पर पूजा हो रही है, यहाँ पर देख रहे हैं लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लाइव लोग अपनी पूजा कर रहे हैं। दो हज़ार साल पहले जब इंडिया से लोग यहाँ पर आए थे, तो वो ओरिजिनल दरख्त को लेकर आए थे, ये उसका उसकी शाख में से निकला है ये, ठीक है ना, उसकी इस टाइम पूजा हो रही है। तो ये पूजा भी आप देख लिया आपने, 2000 साल पहले अभी आप देख रहे हैं, ये पूजा ही हो रही है उसकी। The lady bring in this original tree in Sangamitha. 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 Okay. इस पूजा को मानने वाले अकीदतमंद, Before, no Buddhism in Sri Lanka. Okay. Yeah. यहाँ पर बुद्धिस्ट थे ही नहीं, यहाँ पर बुद्धिस्ट थे ही नहीं, मगर इस दरख्त के आने के बाद जो है, ये जो अभी देख रहे हैं, इसके आने के बाद यहाँ पर बुद्धिज्म का आगाज होता है। ओके, सीता और राम जो है वो उस जमाने में कुछ था नहीं ना, तो वो ये मोर इस्तेमाल करते थे, इस पर बैठ के उड़ के घूमते। ये तस्वीरी कहानी आप देख रहे हैं, ये पानी भरने के लिए जो आपने देखा होगा ना, पानी पुराने जमानों में माशकी के जरिए पानी भरते थे, तो ये वही है, झाड़ू उनके कपड़ों के लिए, खाने के लिए, रोटियों के लिए, उनके बास्केट्स। बहुत ही लंबा है, बहुत ही हाथी का बहुत ही बड़ा दांत है। ब्यूटीफुल रॉक टेम्पल इन तांबूल है। Okay. This temple inside the rock, they build up in rock के अंदर, king period one, they build up in rock, पहाड़ के अंदर, गार के अंदर बनाया गया है।
ये आप देख रहे हैं, ये पांव देख रहे हैं आप, ये श्रीपादा का जो इलाका है वहाँ पर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पांव है वो यहाँ पर बनाया गया है। ये लोग ये मानते हैं कि ये लॉर्ड बुद्धा का फुटप्रिंट है, ठीक है ना, जिस तरह मुसलमान मानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का फुटप्रिंट है, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये आप देख रहे हैं इस शक्ल में बना गया, ये पुली उसको आप देख रहे हैं पूरा, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पांव इस तरह रखा गया, फिर उसको डिजाइन कर दिया गया। एक ही पांव पे वो खड़े हुए थे, दूसरा पांव लगाया ही नहीं उन्होंने। ये गणेश, गणेश पिक्चर, ये गणेश की पिक्चर है। अच्छा, जो हमारे गाइड है ना, ये इस मजहब से नहीं है, ये बुद्धा को मानने वाले नहीं है, ये क्रिश्चियन है, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो कुछ है बता रहा हूँ आपको, बस सारी हम भी वही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं, तो कहीं आप इसको कोई और अकीदे में मत ले लें, हम मुसलमान हैं वो क्रिश्चियन हैं, मगर हम इनका अकीदा देखने आए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा है, ये पूरा देखना है हमने, देखे बहुत बड़े बड़े साइज में है, और ये सब जो है ना, ये सब कहानी है, मतलब आप देख रहे हो ना, जो उन्होंने लगा दिया कि जो है उसका बच्चा, बुद्धा का बच्चा अपने बराबर में विष्णु को मानने वाले हिंदू लोग मानते हैं विष्णु, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जूते चोरी नहीं होते,